चलती का नाम गाड़ी 1 जनवरी 1958 की भारतीय संगीतमय कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन सत्येन बोस ने किया है। फिल्म में गंगोली बधुआ, अशोका कुमारा, अनुपम कुमारा और किशोर कुमारा के साथ मधुबाला ने अभिनय किया है। ये एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो कुछ गलतफहमियों के कारण महिलाओं से नफरत करता है और अपने छोटे भाइयों को शादी करने से रोकता है। किशोर कुमार द्वारा फ्लॉप होने की उम्मीद की गई चलती का नाम गाड़ी को बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली है जो अंततः बोस और गांगुली भाइयों का सबसे सफल काम बन गई है। साथ ही मधुबाला की 1958 की लगातार चौथी बड़ी हिट बन गई है जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में महिला स्टार के रूप में चलती का नाम गाड़ी को इसकी हास्यपूर्ण स्थितियों को साउंडट्रैक निशानदाना और प्रदर्शन के लिए लोगों ने अधिक सकारात्मक समीक्षा मिली है। इन वर्षों में फिल्म ने क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया है और चलती का नाम दाढ़ी, साढ़े तीन और दिलवाले सहित कई फिल्मों को प्रेरित भी किया है। 2003 में आउटलुक मैगजीन के 25 अग्रणीय भारतीय निर्देशकों के सर्वश्रेष्ठ में समकालीन सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड फिल्में के लिए इसे 18 स्थान दिया गया था। भाई भूजमोहन, मनमोहन और जगमोहन शर्मा गैरेज चलाते हैं। रुतमोहन महिलाओं से नफरत करता है और अपने गैरेज में किसी भी महिला या उनकी तस्वीरों को अनुमति नहीं देता है जब तक कि कोई आपात स्थिति ना हो। एक दिन जब मनमोहन रात की पाली में था, रेणु नाम की एक महिला गैरेज में मदद मांगने आती है क्योंकि उसकी कार खराब हो जाती है। रेणु को मनमोहन पर गुस्सा आता है क्योंकि जब उसे ड्यूटी पर होना होता है तो वह सोच रहा होता है। मनमोहन को यह बात पसंद नहीं आती है कि रेणु उस पर चिल्लाई और शुरू में उसकी कार की मरम्मत करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंत में सहमत हो गई। मनमोहन कार ठीक करता है और रेणु चलाती जाती है और मनमोहन को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करना भूल जाती है। वो अपने भाई ब्रजमोहन को इस बारे में बताता है और उसे पता चलता है कि रेणु अपना पर्स गैरेज में भूल गई है। मनमोहन इसके माध्यम से जाता है और एक संगीतमय कार्यक्रम के लिए पास ढूंढता है। मनमोहन अपने पैसे वसूलने के लिए इस कॉन्सर्ट में जाते हैं। जब मनमोहन कार्यक्रम स्थल पर पहुँचते हैं तो उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि पास पर रेणु का नाम था। अपने पैसे नहीं छोड़ना चाहता था। मनमोहन रेणु की कार में इंतजार करता है ताकि जब वह बाहर आए तो वह उससे मिल सके। हालांकि वह सो जाता है और रेणु उस पर ध्यान नहीं देती है। वह कार में मनमोहन के साथ घर जाती है और अपने गैराज में पार्क करती है। वह जब मनमोहन उठता है तो उसे भूख लगती है और वह रेणु के गैराज में कुछ खाने की तलाश करता है। घर का एक नौकर यह देख लेता है और मनमोहन का पीछा करता है जो भागने में सफल हो जाता है। घर जाते समय उसने देखा कि कुछ लोग एक लाश को सड़क पर फेंक कर भाग रहे हैं। जब वह अगली सुबह अपने भाइयों को अपनी रात के बारे में बताता है तो वह उसकी कीमत पर खूब हंसते हैं। बाद में रेणु ने गैराज को फ़ोन करके अपनी कार के लिए मदद मांगी है और आश्वासन दिया है कि वह उसकी फीस वापस कर देगी। मनमोहन ने उसके घर जाने से इनकार कर दिया है इस डर से कि रेणु का नौकर उसे पहचान लेगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। जगमोहन ने जाने का फैसला किया है। जगमोहन रेणु के घर में शीला से मिलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। हालांकि जगमोहन महिलाओं से डरते हैं, वह घबरा जाता है क्योंकि शीला आसपास से है और कार की मरम्मत नहीं कर सकती है। जगमोहन की छुट्टी लेने के बाद रेणु ने मनमोहन को फ़ोन करने का फैसला किया है। इस बीच रेणु के पिता राजा हरदयाल सिंह से संपर्क करते हैं जो अपने छोटे भाई की शादी रेणु से कराना चाहता है। रेणु के पिता ने इस बारे में रेणु से बात करने का फैसला किया है ये जानते हुए भी कि राजा हरदयाल उसका भाई है, बदमाश है। मनमोहन ने राजा हरदयाल के भाई को लाश फेंकते हुए देखा था क्योंकि रेणु मनमोहन के प्यार में पड़ रही है और बदमाश उसकी बेइज्जती चाहते हैं। रेणु और मनमोहन को हरदयाल के आदमियों ने पकड़ लिया है। कैद में उनकी मुलाकात कामिनी से होती है जिसकी फ़ोटो रेणु को रुतमोहन के कमरे में मिलती थी। रुतमोहन और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन उनकी शादी राजा हरदयाल से हो गई थी। रुतमोहन को लग रहा है कि उसने एक अमीर आदमी के लिए उसे छोड़ दिया है। परिणामस्वरूप उसने निर्णय लिया है कि वह फिर कभी महिलाओं के साथ संबंध नहीं रखना चाहेगा। कामिनी रेणु और मनमोहन को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन एक गार्ड प्रवेश कर जाता है। हालांकि कामिनी बच निकलती है और रुतमोहन की तलाश में निकल जाती है। इस बीच राजा हरदयाल सिंह ने रेणु के पिता को पकड़ लिया है और उन पर रेणु की शादी अपने भाइयों से कराने के लिए दबाव डाला है और ऐसा ना करने पर मनमोहन को जान से मारने की धमकी दी है। इससे पहले कि राजा हरदयाल सिंह अपनी बात माने, कामिनी रुतमोहन को घटनास्थल पर ले जाती है।
रुद्रमोहन एक मुक्केबाजी चैंपियन है। अपने दो भाइयों की मदद से राजा हरदर सिंह के आदमियों से लड़ता है। अंत में रुद्रमोहन और उनके भाई विजयी हुए हैं। मनमोहन और रेनू ने शादी करने का फैसला किया है। रुद्रमोहन और कामिनी और जगमोहन और शीला भी ऐसा ही करते हैं।